हल्द्वानी के लामाचौड़ इलाके में एक बैंकेट हॉल में देर रात एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग का शिकार हुए युवक कौस्तुभ पलड़िया ने चिकित्सालय में दम तोड़ दिया है। देर रात एक विवाह समारोह में डीजे पर डांस करते समय किसी के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। बंदूक से निकली गोली कौस्तुभ पलड़िया को जाकर लगी। इसके बाद विवाह समारोह में अफरा तफरी मच गई। कौस्तुभ को इलाज के लिए तुरंत सुशीला तिवारी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मुखानी थाना पुलिस साक्ष्य जुटाकर मामले की जानकारी में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में किसने गोली चलाई, हथियार का लाइसेंस था या नहीं, यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कल हमारे मुखानी थाना में जो लामाचौड़ क्षेत्र है वहाँ पे एक शादी थी। शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की एक घटना हुई है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है। पुलिस इसमें अपना जांच जारी किए हुए है और जो भी तथ्य सामने आएंगे शीघ्र ही बताया जाएगा। सर, ये एक बड़ा संगीन मामला है, हथियार बड़ी मात्रा में जो है शादी विवाह में इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि परमिशन आपको नहीं दी गई लेकिन फिर भी इस तरह का इस्तेमाल है, क्या इनके रोक? देखिए, जो लाइसेंसी वेपन्स हैं वो लोग कई बार हर्ष फायर में अपने उसको यूज करते हैं, मगर वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है, अवैधानिक है। और उसमें भी इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आएंगी, अगर शादी के दौरान किसी तरह की हर्ष फायर या अपने वेपन का मिसयूज होता हुआ पाया जाएगा तो भी उसके खिलाफ जो आवश्यक धाराएं हैं उनमें मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसमें उचित धाराओं में मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी देखो जांच चल रही है, बहुत प्राथमिक स्तर पे जांच है, जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होंगे तो आपका अवगत कराया जाएगा। सर, नशे के खिलाफ लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, इसमें कुछ किस तरह से अभियान चला रहे हैं सर? देखिए, नशे में हम लोग दो स्तरों पे अभियान चला रहे हैं। जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग उनका काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनका करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं, और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनसे भी हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग कुछ नशा मुक्ति केंद्र जो हमारे क्षेत्र में है उनकी भी मदद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ पे जो पेडलर्स हैं जो या इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ NDPS में कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है।